नमस्कार मित्रों, आज अब हम पढ़ेंगे आज फर्स्ट चैप्टर कृषि गणित का, कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी, जिसका पहला चैप्टर है घातांक पावर। ठीक है, इसका पहला चैप्टर क्या है? घातांक। ठीक, तो सबसे पहले घातांक पढ़ने से पहले हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि घातांक कहते किसे हैं। घातांक का मतलब होता है घात का अंक। घातांक का मतलब क्या होता है? घात का अंक। ठीक है, जिसको इसको संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? घात का अंक। घात कब बनेगी? जब उसका कोई आधार होगा। ठीक है, जैसे जैसे मान लिया कोई संख्या है आठ, कोई संख्या है आठ और कहा गया इसको दो की घात के रूप में लिखो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? दो दूनी चार दूनी आठ। ये दो की घात कितनी है? एक, एक, एक। एक नियम होता है घातांक का कि गुणा में घातें, लेकिन ये नीचे वाली संख्याएं मतलब आधार बराबर हो, तो नीचे के आधार देखिए यहाँ पे दो है, दो है, दो है, तो ऊपर के घातांक क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, अर्थात दो की घात क्या हो जाएगा? तीन। ये किसकी है घात? आठ को, मतलब आठ को हम लिख सकते हैं दो की घात तीन। तो इसमें जो आठ है वो क्या हुआ? संख्या है। आठ आपकी क्या हुई? संख्या है। दो इसमें क्या है आपका? आधार है। और तीन क्या है? घातांक है, घातकांक है। जो घातांक है वो आपका क्या है? तीन है। समझ गए घातांक किसे कहते हैं? ठीक है, जो आधार के ऊपर संख्या चढ़ी रहती है, ठीक है, जो आधार के ऊपर जो संख्या लिखी रहती है उसे हम क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? घातांक। समझ में आ गया ना घातांक किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसके कुछ होते हैं नियम। हर चीज के कुछ ना कुछ नियम है। ठीक है, हर जहां पे आप जाएंगे हर चीज के आपको कुछ ना कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को फॉलो करना है। ठीक है, जब तक आप उन नियम का पालन नहीं करते हैं, उन नियम का फॉलो नहीं करते हैं, तब तक उस सवाल को आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हर चीज़ के नियम होते हैं, उसी प्रकार से घातांक के कुछ नियम हैं। जो बेसिक नियम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको नोट करेंगे। तो पहला नियम है घातांक का, कि पहला नियम क्या आता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। पहला नियम क्या आता है? गुणा में घातें जुड़ती हैं यदि उनके आधार समान हो। पहला नियम आएगा गुणा में घातें जुड़ती हैं यदि उनके आधार समान हो। यदि उनके आधार समान हो, गुणा में घातें जुड़ती हैं यदि उनके आधार समान हो। जैसे समझ लो इसको, एक ही घात दो गुणे एक ही घात तीन, तो गुणा हुई। नीचे की संख्या आधार है, नीचे की संख्या आधार है, गुणा हुई तो ऊपर वाली घातें क्या हो जाएंगी? एक ही घात दो प्लस तीन बराबर एक ही घात पांच। लेकिन अगर यही संख्या ऐसे हो एक ही घात दो गुणे बी की घात तीन, तो क्या घातें जुड़ेंगी? नहीं जुड़ेंगी, तो घातें नहीं जुड़ेंगी, तो ये ऐसे रहेगा एक ही घात दो बी की घात तीन, तब ये घातें नहीं जुड़ेंगी। जब तक आधार समान नहीं है तो ये घातें नहीं जुड़ेंगी। जुड़ेंगी कब? जब आधार समान है। ठीक है, प्रत्येक नियम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनको अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, क्योंकि अन्यथा आप भूल जाएंगे उनको। ओके, दूसरा नियम है, दूसरा नियम है, देखेंगे आप, दूसरा नियम है भाग में घातें हैं, समझते रहे साथ साथ में, भाग में घातें हैं, सेम यही है इसका उल्टा है। भाग में घातें घटती हैं यदि आधार
समान, यदि आधार समान हो, भाग में घातें घटती हैं यदि आधार समान हो तो क्या हो जाएगा? यदि आधार समान हो तो भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। जैसे जैसे मान लिया आपको दे दिया एक ही घात तीन बटे एक ही घात दो, बटे का मतलब भाग है, बटे का मतलब क्या है, तो क्या हो जाएगा, एक ही घात तीन माइनस दो बराबर एक ही घात एक, और इसको हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर अलग अलग इसके आधार दे दिए गए, मतलब बी दे दिया गया है, ए दे दिया गया, तो घाते नहीं घटेंगे। आधार कैसे हो, समान हो तभी घातें घटेंगी, यदि आधार समान नहीं है तो घातें नहीं घटेंगी, समान होने पर ही घातें घटेंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम आता है, जिस राशि का घातांक शून्य होता 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 है उसका मान सदैव एक होता है, उसका मान सदैव एक होता है। जैसे x की घात जीरो बराबर एक, y की घात जीरो बराबर एक, मतलब किसी की भी घात जीरो हो जाए, ठीक है, चाहे हाथी की घात जीरो लिख दो तो उसका भी मान एक होगा, ठीक है, उसका मान सदैव क्या होगा, एक। अगला है, यदि किसी राशि का घातांक, चौथा देखो, यदि किसी राशि का घातांक एक बटे दो, ध्यान से समझना, एक बटे तीन, एक बटे चार या एक बटे यन आदि हैं, आदि है, तो उसे वर्गमूल के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसे वर्गमूल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे जैसे मान लिया यक्ष की घात तीन बटा दो, एक बटा दो की जगह तीन बटा दो लिख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दो क्या आ जाएगा, ये वर्गमूल में आ जाएगा ऐसे, और यक्ष की घात क्या बच जाएगी, तीन, समझ में आ गया। या दूसरी चीज लिख कर दिखा दें, जैसे y की घात मान लिया 11 बटे 12 है, y की घात 11 बटे 12 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 12 वर्गमूल में आ जाएगा x की घात 11 अंदर रह जाएगा, हाँ y, ठीक है, y समझ गए ना। ये अगर इस टाइप में कोई चीज लिखा है, अगर कहीं x की घात एक बटे यन लिखा है मान लो, तो यन कहाँ आ जाएगा, बाहर, और x अंदर, समझ गए ना, ये नियम समझ गए, इस टाइप से ये आपको लिखना। पांचवा नियम कहता है, पांचवा नियम है, पांचवा नियम है, यदि किसी राशि को अंश से हर तथा
यदि किसी राशि को अंश से हर या हर से अंश में बदला जाता है तो उनके घातांकों के चिन्ह बदल जाते हैं जैसे यक्ष की घात -2 लिखा है, घातांक का चिन्ह कैसा है? माइनस। तो इसको हम अगर हर में ले आए, वन बटे के रूप में लिख लें, तो यक्ष की घात 2 लिख सकते हैं, घातांक माइनस था प्लस हो जाएगा, ठीक है। मान लिया ऐसे लिखा 2/3 ए की घात 1/2 और यहाँ पर बी की घात -3/2, तो इसको कहें धन घात के रूप में लिखो तो देखो 2 ऐसे रहेगा, 3 भी ऐसे रहेगा, ए की घात तो पहले से प्लस में थी वो ऐसे रखो, बी की घात माइनस थी तो बी ऊपर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है, 3/3। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? समझ में आ गया। अगर किसी राशि को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो घातांकों का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगला छठा नियम एक और है। छठा नियम कहता है यदि किसी राशि की घात हो, यदि किसी राशि की घात हो, घात की घात हो तो उनकी परस्पर गुणा